वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं, आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, आज है संडे फ्रेंड्स, है ना। और आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, अभी जो टेट का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है और सहायक शिक्षक और शिक्षक के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं, इंग्लिश माध्यम में जो भर्ती पदाई हुए उसके जो लास्ट डेट 9 जून था उसको बढ़ाकर अभी 16 जून कर दिया गया है। रात्रि 11:59 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए कुछ और बात कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग। देखिए, अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ न्यूज़ जो आया है उसको मैंने थोड़ा सा डिस्प्ले कर दिया है ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। साफ साफ लिखा है कि पहले जो 9 जून था उसको 16 जून कर दिया गया है, इसको बढ़ाकर। ओके, और अभी तक टीटी के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए हैं इसीलिए यह चीज़ किया गया है, ऐसा न्यूज़ में लिखा हुआ है। आप खुद से भी रीड कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और उसको खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम में जो अभी, हाँ ध्यान रखिएगा कि जो हिंदी मीडियम में जो भर्ती आई है उसके लिए एज यूजुअल है, अभी तक उसके रिगार्डिंग कोई सूचना अभी तक आया नहीं है। अगर किसी तरह उसके जो डेट में एक्सटेंड होता है और उसके ऑनलाइन आवेदन में वृद्धि की जाती है डेट के लिए, तो मैं आपको चैनल के थ्रू अपडेट करूँगा। ओके, बात कर लेते हैं कि ऐसा ये टीटी का रिजल्ट कब डिक्लेयर हो सकता है। तो देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा है, अफसरों का कहना है कि टीटी को देखते हुए ही भर्ती परीक्षा के आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाई गई है, है ना, जो कि 9 जून था उसको 16 जून कर दे कुछ ही दिनों में, जल्द ही देखिए यहाँ साफ, कुछ ही दिनों में नतीजे जारी हो जाएंगे, ऐसा व्यापम के अफसरों के द्वारा यहाँ पर कहा गया है और यहाँ न्यूज़ में आया है। ओके, तो परेशान ना होइए, अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो 16 जून तक है, मोस्ट प्रोबली 2-3 दिन तो इंतज़ार कर ही सकते हैं, है ना। लेकिन लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिए, चाहे आप टीटी का में फेल हो जा रहे हो चाहे पास हो जा रहे हो, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब रिजल्ट आएगा, है ना, तो देखा जाएगा जो रिजल्ट में होगा वो। लेकिन आवेदन लास्ट डेट से पहले आप निश्चित रूप से आवेदन कर दें, है ना, अगर रिजल्ट नहीं आ पाती है 16 जून तक। लेकिन मोस्ट प्रोबली जैसे कि यहाँ न्यूज़ में आ रहा है उसके रिगार्डिंग तो आ जाना चाहिए। और मेन चीज़ है कि इसमें सभी लोगों का मांग है और मेरा भी इच्छा है कि जल्दी से जल्दी डिक्लेयर हो जाए ताकि मैं भी लोगों को अच्छी तरह से प्रिपरेशन करवा सकूं शिक्षक भर्ती के लिए। क्योंकि कई लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने टेट के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। इससे पहले भी टीटी के एग्ज़ाम हुए हैं, बट कई लोगों का जो वैलिडिटी होता है 7 साल वाला वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए 2019 में 10 मार्च 2019 को एग्ज़ाम हुआ था उसका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। अगर अधिकारियों की माने तो देखिए यहाँ लगभग 1.25 लाख अभ्यर्थी, 1.25 लाख अभ्यर्थी टेट के एग्ज़ाम में बैठे थे, अभी उसको मैं अभी दिखाने वाला हूँ। और जल्द ही इसके परिणाम डिक्लेयर किए जाएंगे बाय सीजी व्यापम वेबसाइट में। और अगर आप टीटी का एग्ज़ाम लिखे हैं और आपको लगता है कि पास हो जा सकते हैं तो आप डेफिनेटली टीचर भर्ती अगर लेना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का घंटा जरूर दबाएं ताकि जब भी नए वीडियो डालूँ इस चैनल पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, है ना। क्योंकि इस चैनल में बहुत सारे वीडियोस बनाए हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टीचर भर्ती एग्ज़ाम के लिए, प्रयोगशाला के लिए, सबके लिए। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं कि कितने लाख अभ्यर्थी इस आवेदन के लिए आवेदन किए थे टीईटी में और बैठे हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ एक और न्यूज़पेपर का यहाँ स्क्रीनशॉट ले रखा है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, गौरतलब है, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गौरतलब है कि टीईटी में करीब 1.25 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर से आई हुई है, हालांकि मैं इसके पास आरटीआई प्रूफ नहीं है मेरे पास, लेकिन देखिए यहाँ न्यूज़ जो आ रही है, टीटी में करीब 1.25 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। तो फ्रेंड्स, कितने पास होते हैं कितने फेल है तो बात की बात है, लेकिन कंपटीशन बहुत भयानक होने वाला है। मुट्ठी भर पोस्ट है 15,000, जिसमें से सारे सम्मिलित हैं वर्ग 1 से लेकर प्रयोगशाला सहायक तक। ओके, तो अच्छा बेहतरीन तैयारी कीजिए और अच्छे से पढ़िए लिखिए। बहुत सारे मैं वीडियोस बना चुका हूँ बेस्ट बुक के बारे में, सारी चीज़ सिलेबस से लेकर A to Z, बस है थोड़ी थोड़ी बहुत वीडियो ज़रूरत है मुझे भी और वीडियोस बनाने की, तो मैं कल 4 वीडियो बनाया हूँ आपके लिए, उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। वर्ग 2 वर्ग 3 की तैयारी के बेसिकली मैं और प्रयोगशाला के लिए फोकस कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप उसके लिए फॉर्म भरे हैं, अप्लाई करना चाहें तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और जल्द ही इसके रिजल्ट डिक्लेयर होंगे ये अफसरों का कहना है, और किसी तरह का और कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं निश्चित रूप से वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना स्टडी जारी रखें। हैप्पी संडे।